वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार संकट में है। 3 निर्दलीय विधायकों ने सैनी सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस गठबंधन सरकार को मनोहर लाल खट्टर पिछले 4.25 साल से चलाते रहे, वो नायब सैनी कैसे 2 महीने में ही कमजोर पड़ गए। हालांकि सैनी का टेस्ट तो उसी वक्त शुरू हो गया था जब उन्हें सत्ता सौंपी गई थी। सैनी की सबसे पहली परीक्षा थी अनिल विज का नाराज होना। खट्टर सरकार में सबसे मजबूत मंत्री माने जाने वाले अनिल विज सैनी को सीएम बनाने से नाराज बताए गए थे। वो शपथ ग्रहण समारोह में भी नहीं पहुंचे थे। यही नहीं, अनिल विज विधायक दल की बैठक को भी बीच में छोड़कर चले गए थे। इस बैठक में नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया था। इसके साथ साथ अभी हाल फिलहाल एक जनसभा के दौरान अनिल विज ये बात स्वीकार कर चुके हैं कि उन्हें अपनों ने ही दगा दी है और वो किसी खास बात से नाराज हैं। लेकिन अब इस मुश्किल की घड़ी में नाराज विज ने सीएम सैनी का साथ दिया है। सुनिए अनिल विज ने सीएम सैनी के समर्थन में क्या कहा। 3 विधायकों का कांग्रेस को समर्थन देने का दुख है, परंतु हुड्डा साहब की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती। अभी कई तीर हैं हमारे तरकश में और हमारी सरकार को ट्रिपल इंजन सरकार है। हमारी सरकार 3-3 इंजन इसकी देखभाल कर रहे हैं। हमारे नायब सैनी जी हैं, मनोहर लाल खट्टर जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, जो पल पल की जानकारी रखते हैं और उसका इलाज भी जानते हैं। आपको बताएं कि तीनों विधायकों ने अपना समर्थन कांग्रेस को देने की घोषणा की है। विपक्ष का दावा है कि राज्य सरकार अब अल्पमत में है, सूबे में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। वहीं जेजेपी के दुष्यंत चौटाला ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अविश्वास मत में कांग्रेस को समर्थन देने की बात कही है। इस मुश्किल के दौर में मुख्यमंत्री नायब सैनी का एक बड़ा बयान सामने आया है। नायब सैनी का कहना है कि हर विधायक की कुछ इच्छाएं होती हैं। कांग्रेस आजकल इच्छाएं पूरी करने में लगी है। सब जानते हैं कि किसकी क्या इच्छा है। कांग्रेस को जनता की इच्छाओं से मतलब नहीं है। देखिए, क्योंकि कांग्रेस की सोच रही है ये इच्छाएं पूरी करते हैं। पहले भी आप लोगों ने इनका इतिहास देखा है, पूरे देश ने कांग्रेस का इतिहास देखा है। लोकसभा के अंदर जब इनकी सरकार कहीं इनको लगता था कि दिक्कत में है, तो फिर ये कुछ लोगों की इच्छाएं पूरी करते हुए ढूंढते थे। जितने किसी को होंगी, सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। सरकार पूरी मजबूती से काम कर रही है और इनकी इच्छा प्रदेश के लोग पूरी करने वाले नहीं है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार के ऊपर विश्वास करते हैं कांग्रेस के लोग। हरियाणा में नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली सरकार से अपना समर्थन वापस लेने वाले दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान, नीलाखेड़ी से विधायक धर्मपाल गोंदर और पंडूरी से विधायक रणधीर गोलन है। तीनों विधायकों ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया। रोहतक लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार दुपेंद्र हुड्डा ने भी कहा है कि प्रदेश में हालात बीजेपी के खिलाफ बन गए हैं, बदलाव अब निश्चित है। इसके आगे दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी सरकार अल्पमत में आ गई है। उन्होंने 48 विधायकों की सूची दी थी, लेकिन कुछ विधायक तो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में अब बीजेपी का अस्तित्व हरियाणा में खतरे में है। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को जवाब देते हुए सीएम मनोहर लाल ने करारा जवाब दिया है। मनोहर लाल ने कहा कि बहुत से विधायक हमारे भी संपर्क में हैं। इसके साथ साथ मनोहर लाल ने जेजेपी पर भी निशाना साधा है। बाकी वो निर्दलीय हैं तो निर्दलीय हैं, उसका तो हम क्या कर सकते हैं। इसलिए समर्थन में आज बहुत लोग साथ खड़े हैं और ये जो अपने अपनों को संभाल के रखें, जिस दिन
खुल गया हिसाब किताब तब इनको ध्यान में आएगा कि हमारे संपर्क में कितने हैं। हम चाहते हैं अब चुनाव तक कोई ज्यादा बात ना हो, क्योंकि चुनाव जिसने जहां से लड़ना उसने लड़ना ही है। इसलिए बहुत लोग हमारे संपर्क में भी हैं, चाहे मेन मुख्य विपक्षी दल है 30 मेंबर का। अब 30 मेंबर से वो क्या करना चाहते हैं, जो करना सो कर लें। 30 मेंबर के लोग अविश्वास प्रस्ताव भी लाएंगे तो वहीं गिरेंगे, और उनके भी कितने हमारे साथ खड़े होंगे, कितने बाकी दलों के हमारे साथ खड़े होंगे। आपको बताएं कि नायब सैनी इस साल मार्च में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। मनोहर लाल खट्टर की जगह उन्हें सत्ता सौंपी गई थी, लेकिन 2 महीने बाद ही उनकी कुर्सी पर अब खतरा मंडराने लगा है। दरअसल 3 निर्दलीय विधायकों ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया है, और इसके साथ साथ जेजेपी ने भी अविश्वास प्रस्ताव के लिए कांग्रेस का समर्थन करने का ऐलान किया है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जिस गठबंधन सरकार को मनोहर लाल खट्टर 4.25 साल से चलाते रहे, वहां नायब सैनी कैसे 2 महीने में कमजोर पड़ गए। और सवाल ये भी उठता है कि क्या नायब सैनी की कुर्सी अब जाने वाली है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी ताज़ा जानकारी और अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।